नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। फ्रेंड्स, बहुत समय से कोई ब्लॉग और वीडियो नहीं आ रहा था मेरे चैनल पे, तो आज मैंने सोचा, ऐसे ही गूगल मैप से स्क्रॉल कर रहा था तो 3 बजे करीब मेरी क्लास ख़त्म हुई, तो उसके बाद सोचा कि यहाँ पे आया जाए। तो ऐसे ही देखा मैंने इस जगह को, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आया। और ये एक छोटा सा स्कीइंग रिजॉर्ट है इन द मीन्स, ये लोकेशन है असना लेवा के पास में, एक पार्क है वहाँ पे। आप पे आके दो माउंटेन्स, एक छोटा ये है और बड़ा इसके जस्ट पीछे, वहाँ पे जाके आप स्कीइंग कर सकते हैं। और ज़्यादा महंगा किट नहीं है, किट लेके आप यहाँ पे मज़े ले सकते हैं। तो मैं आपको छोटा सा पार्क का एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। और बिफोर शोइंग यू द स्की कॉम्प्लेक्स, मैं आपको यहाँ का एक छोटा सा जो कैफ़े है, बहुत अच्छा लोकेशन और बहुत प्राइम लोकेशन पे दिया गया है, रिवर साइड है और रिवर फ्रंट फेस है, और कैफ़े आपको दिखाता हूँ। बहुत छोटा सा और अच्छा सा कैफ़े है। तो एंटर जस्ट, यहाँ पे इनका ये छोटा सा बार है और बार में सारा कुछ अरेंज है, ऊपर भी जाके बैठ सकते हैं आप लोग। और ये बस छोटा सा लोकेशन है, रिवर फेसिंग सर आई थिंक। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इनका मेन्यू भी ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है सच, तो आप यहाँ पे आके हर वो चीज़ एंजॉय कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं यहाँ पे। तो आप लोग कुछ लोग जरूर सोच रहे होंगे कि आप, इतनी स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, इतना सब कुछ बर्फ जमा हुआ है, तो आप लोग सोच रहे होंगे मेरे को ठंडा क्यों नहीं लग रहा और ये सब ऐसा, मतलब कैसे, मतलब ये सब हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जब यहाँ पे हवा नहीं चलती है और टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री होता है और स्नोफॉल हो रहा होता है, तो आप इस स्नो के एकदम प्रॉपर तरीके से मज़े ले सकते हैं आके, ये बाहर आके। और ये मौसम ज़्यादा ठंडा खास नहीं होता, बेसिक आप अगर यहाँ पे 2-3 साल आप यहाँ रह रहे हो तो आपको इसकी आदत हो जाती है। और दूसरी बात, काफ़ी जॉयफुल मौसम होता है ये, जैसा अभी बहुत अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है, पीछे देख सकते हैं कितनी मोटी थिक लेयर बन गई है स्नो की यहाँ पर। तो यही है स्नो के यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़े ऐसी सीजन में दिसंबर और जनवरी में ले सकते हैं मीन्स में आकर। सो चलते हैं, आपको पार्क दिखाते हैं। और So have a look at the park. आप देख ही रहे होंगे कैसा स्नो का एकदम मजा आ रहा है इधर। और अभी कॉफी पी के निकले हैं, अब घर जा रहे हैं और फिर कभी आते हैं इस जगह पे स्कीइंग करने। काफी अच्छा लगा मेरे को और अनप्लैंड एकदम एक्सप्लोरिंग था तो एकदम अच्छा लगा। और अब मैं आपको यहाँ का, मैंने आपको रेट्स नहीं बताया, मैंने अभी जस्ट यहाँ के लोग जो वर्कर वगैरह थे उनसे रेट पूछा, तो 1 घंटे का 12 रूबल है और 1 दिन का 24 रूबल है। तो आप यहाँ पे 24 रूबल पे करो और पूरे दिन स्कीइंग करो, और मे भी 2 घंटे का ले लो तो 12-16 रूबल में है। तो यहाँ पे इतना महंगा नहीं है स्कीइंग का एज़ कम्पेयर टू लोगोस को और दूसरी जगह से। तो मौसम काफ़ी अच्छा है और ये सब अच्छा है, तो आके यहाँ पे पार्क के आप क्योंकि ज़रूर मज़े लो। और दूसरी बात, जो भी लोग हॉस्टल वाले हैं, जो मेरे हॉस्टल के हैं और मीन्स के में जो लोग भी बाहर से ट्रैवल करने आते हैं और उनको मीन्स के अंदर स्कीइंग करना है, तो हाईली रिकमेंडेड इस जगह पे आओ और आके आराम से मज़े लो। पूरा बढ़िया पूरा माहौल बना रखा है। और बाकी छोटे एक दो जगह से आपको ये पार्क दिखाता हूँ मैं, काफ़ी सुंदर पार्क है, लोकेशंस भी अच्छी बना रखी हैं। तो बस निकल रहे हैं पैदल अकेले अकेले।